Hi everybody. Today we are going to discuss about the maxilla bone. देखिए maxilla bone जो है, जब हम सामने से आपका या साइड से जो है आपका स्कल को देखते हैं तो उस वक्त आपको ये स्ट्रक्चर जो है दिखाई देती है जिसको हम maxilla कहते हैं, जो कि आपका अपर जा फॉर्म कर रहा है, जिसके अंदर जो है अपर टीथ जो है आपका सिचुएटेड होते हैं, यानी कि ऊपर के दांत सिचुएटेड होते हैं। इसके अलावा ये अपर जा के अलावा जो है आपका नेजल कैविटी, पैलेट, यानी कि जो तालू होता है, पैलेट होता है, उसको फॉर्म करती है और नेजल कैविटी को फॉर्म करती है और कुछ पार्ट जो है आपका आई ऑर्बिट का फ्लोर यानी कि बनाने में मदद करता है। तो मैक्सिला में जब हम देखते हैं तो इसमें आपका ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये पोर्शन आपका बॉडी कहलाता है। इसके ऊपर की तरफ यहां पर एक प्रोसेस निकला रहता है जिसको हम फ्रंटल प्रोसेस का नाम देते हैं। नीचे बॉडी से नीचे वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन पूरा आपका एल्वेलर प्रोसेस जो है आपका कहलाता है। और यहां पर ये जो प्रोसेस निकला हुआ होता है इसको हम जाइगोमेटिक प्रोसेस कहते हैं। और पीछे की तरफ यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम पैलेटाइन प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये एक मैक्सिला के अंदर बॉडी, फ्रंटल प्रोसेस, एल्वेलर प्रोसेस, जाइगोमेटिक प्रोसेस और आपका पैलेटाइन प्रोसेस, ये स्ट्रक्चर्स जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगी। देखिए जब हम बॉडी पर आते हैं, ये आपका बॉडी है, इस बॉडी में आपका चार सर्फेसिस हम काउंट करते हैं। यहां से ये जो जाइगोमेटिक प्रोसेस है इससे आगे की तरफ ये वाली सरफेस जो है आपका एंटीरियर सरफेस कहलाती है। इससे पीछे वाली सरफेस, जाइगोमेटिक प्रोसेस से पीछे वाली सरफेस, ये वाली पूरी सरफेस जो है आपका पोस्टीरियर या इंफ्राटेम्पोरल सरफेस कहलाती है। इस बॉर्डर से ऊपर की तरफ ये वाली सरफेस जो है आपका ऑर्बिटल सरफेस या सुपीरियर सरफेस इसको हम कहते हैं। और दूसरी तरफ जब हम जाते हैं मीडियल साइड पे, ये आपका लेटरल एस्पेक्ट है, ये मैक्सिला का लेटरल एस्पेक्ट है। जब हम मीडियल साइड में जाते हैं तो ये वाली सरफेस जो है इसकी मीडियल सरफेस कहलाती है। तो इस तरह से बॉडी में जो है आपका चार सरफेसेस होती हैं। बॉडी में जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस पर जो स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देती हैं यहां पर, यानी कि जाइगोमेटिक प्रोसेस के थोड़ा सा आगे की तरफ एक फोरामेन होता है जिसको हम इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन कहते हैं। और ये एंटीरियर सरफेस जो है बाउंड होती है आगे की तरफ एक नोच के जरिए जिसको हम नेजल नोच कहते हैं। ये नेजल नोच नीचे जाकर जो है एक स्पाइन में कन्वर्ट होती है जिसको हम एंटीरियर नेजल स्पाइन कहते हैं। इससे ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो यहां से आपका फ्रंटल प्रोसेस शुरू होता है। इसके पीछे की तरफ जब हम आते हैं जाइगोमेटिक प्रोसेस पर, पीछे की तरफ आते हैं यानी कि बॉडी की पोस्टीरियर सरफेस पर आते हैं, तो ये वाली सरफेस जो है आपका क्या फॉर्म कर रही है, ये इंफ्राटेम्पोरल सरफेस फॉर्म करती है और नीचे आकर एक ट्यूबरसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस पार्ट को हम ट्यूबरसिटी का नाम देते हैं। बॉडी से नीचे की तरफ जब हम देखते हैं, बॉडी के नीचे की तरफ जब हम देखते हैं तो ये एक प्रोसेस यहां पर निकला रहता है जिसको हम एल्वेलर प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर अपर टीथ जो है आपका, दांत जो है वो आपका फिक्स होते हैं या दांत जो है आपका सिचुएटेड होते हैं। एल्वेलर प्रोसेस पर ऊपर की तरफ यानी कि जहां पर कैनाइन टीथ है या इंसिसिव टीथ है, या इंसिजर टीथ है या कैनाइन टीथ है, उनके ऊपर की तरफ अगर यहां पर जो है फोसा बनी हुई होती है तो जो इंसिजर के ऊपर है उसे इंसिसिव फोसा कहते हैं, जो कैनाइन टीथ के ऊपर है उसको हम कैनाइन फोसा कहते हैं और जो यहां पर एमिनेंस बने हैं उनको हम कैनाइन एमिनेंस का नाम देते हैं। तो ये आपका एल्वेलर प्रोसेस के ठीक ऊपर की तरफ ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देती है। सुपीरियर सरफेस पर जब हम आते हैं, सुपीरियर सरफेस जो कि आपका ऑर्बिटल सरफेस भी कहलाती है, यानी कि ये फ्लोर ऑफ द आई ऑर्बिट बनाने में मदद करती है, फ्लोर ऑफ द आई ऑर्बिट बनाने में मदद करती है, जो पीछे की तरफ कंटिन्यू होती है यानी कि थोड़ा सा गैप आता है पीछे की तरफ, उसको हम आपका इंफ्रा ऑर्बिटल फिसर का नाम देते हैं। अभी मैं आपको स्कल में दिखाऊंगा इंफ्रा ऑर्बिटल फिसर का नाम देते हैं। उसके बाद हम मीडियल सरफेस पर जब आते हैं, ये इसका मीडियल सरफेस है, तो मीडियल सरफेस पर हमें सबसे बड़ी स्ट्रक्चर यहां पर नजर आती है जिसको हम मैक्सिलरी
हिएटस का नाम देते हैं। इस मैग्डलरी हिएटस के ठीक पीछे की तरफ एक रफ एरिया होता है जो अटैचमेंट देता है आपका परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन को, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन को यहां पर अटैचमेंट देता है। इस हिएटस के सामने की तरफ एक ग्रूव पड़ी हुई होती है जो ऊपर कंटिन्यू होती है फ्रंटल प्रोसेस के पिछले पोर्शन के साथ, तो इस ग्रूव को हम नेजोलेक्रिमल ग्रूव कहते हैं। यानी कि ये जो ग्रूव फॉर्म हो रही है ये आपका ऊपर की तरफ फ्रंटल बोन और उसके पीछे की तरफ लेक्रिमल बोन, उनके बीच में ग्रूव पड़ी हुई होती है जो नीचे आपका नेजल कैविटी में नीचे की तरफ रन करती है, तो इस ग्रूव को हम नेजोलेक्रिमल ग्रूव का नाम देते हैं। मीडियल सरफेस पर एक ऑब्लिक क्रेस्ट हमें यहां दिखाई देती है जिसको हम कॉन्कल क्रेस्ट कहते हैं, जो कि इंफीरियर नेजल कॉन्की नाम की आपका बोन के साथ जो है आपका अटैचमेंट देती है। नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो यहां पर हमें और दूसरी ग्रूव दिखाई देती है, ग्रूव फॉर ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल। और अंदर की तरफ जब हम आते हैं तो यहां पर एक हमें बॉर्डर नजर आता है एक, जो कि प्रोसेस होता है आपका पैलेटाइन प्रोसेस, जो पैलेटाइन बोन के हॉरिजेंटल प्लेट के साथ जो है आपका आर्टिकुलेट होता है और एक सूचर बनाता है, इसको हम पैलेटो मैक्सिलरी सूचर का नाम देते हैं। इसी तरह से यहां पर आगे की तरफ आते हैं तो ये एक स्पाइन हमें दिखाई देगा, इसको हम एंटीरियर नेजल स्पाइन कहते हैं, और ये नोच जो वहां भी दिखाई दे रही थी यहां भी आपको ये नोच फॉर्म दिखाई देती है जिसको हम नेजल नोच का नाम देते हैं। फ्रंटल प्रोसेस पर जब हम आते हैं, ये आपका फ्रंटल प्रोसेस है, ये फ्रंटल प्रोसेस है। फ्रंटल प्रोसेस पर यानी कि ऊपर की तरफ एक प्रोजेक्शन निकला रहता है बॉडी के एंटीरियर सरफेस से, ऊपर की तरफ एक प्रोजेक्शन निकला रहता है जिसको हम फ्रंटल प्रोसेस का नाम देते हैं, क्योंकि ये ऊपर जाकर नेजल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, या ऐसे भी कह सकते हैं ये ऊपर की तरफ फ्रंटल बोन के साथ आर्टिकुलेट होता है, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम जो है आपका फ्रंटल प्रोसेस होता है। इस फ्रंटल प्रोसेस के एंटीरियर बॉर्डर के साथ एक छोटी सी बोन लगी होती है यानी कि जिसको हम नेजल बोन कहते हैं, यानी कि जो कि ब्रिज ऑफ द नोज बना रही है, तो ये नेजल बोन इसके यहां पर आर्टिकुलेट होती है। पोस्टीरियर बॉर्डर पर, इसके फ्रंटल प्रोसेस के पोस्टीरियर बॉर्डर पर आपका एक क्रेस्ट होगी जिसको हम एंटीरियर नेजल क्रेस्ट कहते हैं। इस क्रेस्ट के ठीक पीछे की तरफ ये पार्ट जो है ग्रूव हो जाता है, फ्रंटल प्रोसेस का ये पीछे वाला पोर्शन जो है आपका कंटिन्यू हो जाता है यानी कि आर्टिकुलेट होता है यहां पर, इसके साथ यहां पर लैक्रिमल बोन लगी हुई होती है उसके साथ आर्टिकुलेट होकर ये एक ग्रूव का फॉर्मेशन करता है जिसको हम नेजोलेक्रिमल ग्रूव कहते हैं। और ये ग्रूव अंदर की तरफ आगे की तरफ कंटिन्यू हो जाती है आपका नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी में जाकर ये खत्म होती है, तो ये कनेक्शन होता है बीच में यानी कि आई ऑर्बिट और नेजल कैविटी के बीच में ये कनेक्शन होता है जिसको हम नेजोलेक्रिमल ग्रूव का नाम देते हैं। ऑर्बिटल सरफेस पर यहां पर एक ग्रूव, इस तरह से ग्रूव रन करती है पीछे से आगे को आकर एक ग्रूव रन करती है जिसको हम इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव का नाम देते हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव का नाम इसको हम देते हैं। तो ये आपका ऑर्बिटल सरफेस। तो फ्रंटल प्रोसेस की बात हो रही थी, तो फ्रंटल प्रोसेस ऊपर की तरफ आपका फ्रंटल बोन के साथ, आगे की तरफ नेजल बोन के साथ आपका आर्टिकुलेट होता है, और पीछे की तरफ लैक्रिमल बोन के साथ आर्टिकुलेट होकर एक ग्रूव का फॉर्मेशन करता है जिसको हम नेजोलेक्रिमल ग्रूव का नाम देते हैं। उसके बाद आते हैं जाइगोमेटिक प्रोसेस, यानी कि जहां पर आपका एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस एक दूसरे का जंक्शन है, तो उस जंक्शन पर एक यहां पर लेटरल साइड को एक प्रोजेक्शन उभरा हुआ होता है जिसको हम जाइगोमेटिक प्रोसेस कहते हैं, जो कि आपका जाइगोमेटिक बोन के साथ जो है आपका आर्टिकुलेट होता है, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम जाइगोमेटिक प्रोसेस होता है। पैलेटाइन प्रोसेस को मैंने बताया कि पैलेटाइन प्रोसेस जो है आपका पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन के साथ आर्टिकुलेट होकर आपका पैलेट का, हार्ड पैलेट का फॉर्मेशन करता है। इसको साइड डिटरमाइन करने के लिए क्या, साइड डिटरमाइन करने के लिए आप देखेंगे कि फ्रंटल प्रोसेस जो है एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन निकला हुआ है, ये सुपीरियर साइड में होगा, नेजल नोच एंटीरियर साइड में रहेगी, और ये आपका जाइगोमेटिक प्रोसेस जो है वो आपका लेटरल साइड में रहेगा। तो इस तरह से जब हम बोन को पकड़ते हैं तो जिस साइड में आपका जाइगोमेटिक प्रोसेस आता है उसी साइड की ये बोन मानी जाती है। अब आती है इसके ऑसिफिकेशन की बात। देखिए ये बोन जो है एक मेन सेंटर से ऑसिफाई होती है जो कि इसके एंटीरियर पार्ट पर, यहां पर एंटीरियर पार्ट पर किसी भी साइड पर जो है
आपका अपीयर होता है सिक्स्थ वीक ऑफ फीटल लाइफ में, और एडल्टहुड में जाकर ये बोन जो है पूरी तरह से तैयार हो जाती है। ये आपका ये वाली बोन जो है आपका मैक्सिला बोन, एक इस साइड में और एक इस साइड में, ये दोनों साइड में एक एक बोन होती है जिसको हम मैक्सिला यानी कि जो अपर जा भी फॉर्म कर रही है, अपर जा के साथ साथ यहाँ का नेजल कैविटी को भी फॉर्म करती है, और ये आई ऑर्बिट का जो फ्लोर होता है उस फ्लोर को भी बनाने में मदद करती है। जो सामने से हम बोन को देखते हैं तो क्लियरली हमें दिखाई देती है। इस बोन के अंदर जो है आपका ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हम बॉडी कहते हैं, इस वाले पोर्शन को बॉडी, और ये नीचे की तरफ जो प्रोसेस निकला हुआ था इसको हम एल्वेलर प्रोसेस कहते हैं। यहां से ऊपर की तरफ ये एक प्रोसेस जा रहा है जो ऊपर फ्रंटल बोन के साथ जुड़ रहा है, तो इसको हम फ्रंटल प्रोसेस कहते हैं। और पीछे की तरफ नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसका बॉडी के लेटरल साइड में एक ही प्रोसेस निकला हुआ होता है, इस प्रोसेस को हम जाइगोमेटिक प्रोसेस कहते हैं। और पीछे की तरफ यहां पर नीचे की तरफ जब हम देखते हैं तो ये वाला प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है इनको हम पैलेटाइन प्रोसेस कहते हैं, जो कि पैलेटाइन बोन के साथ आर्टिकुलेट होता है। देखिए बॉडी को जो हम देखते हैं, देखिए ये पोर्शन जो है यहां से लेके और यहां पीछे तक का पोर्शन जो है आपका क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। बॉडी में चार सरफेस हम काउंट करते हैं, एक एंटीरियर सरफेस यानी कि इस प्रोसेस से सामने की तरफ ये जो सरफेस है इसको हम एंटीरियर सरफेस कहते हैं, और इस प्रोसेस से यहां पर पीछे की तरफ ये जो सरफेस होती है इसको हम पोस्टीरियर सरफेस या इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस का नाम देते हैं। तीसरी सरफेस जिसको हम ऑर्बिटल सरफेस यानी कि ये सुपीरियर सरफेस या ऑर्बिटल सरफेस यानी कि इस बॉर्डर से ऊपर की तरफ जो सरफेस होती है उसको हम ऑर्बिटल सरफेस कहते हैं। और इनसाइड अंदर की तरफ जाकर ये वाली जो सरफेस होती है, यहां मैं पेंसिल दिखा रहा हूं, तो ये आपका मीडियल सरफेस या नेजल सरफेस इसको हम कहते हैं। एंटीरियर सरफेस पर जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, तो देखिए इस जाइगोमेटिक प्रोसेस के सामने की तरफ यहां पर आपको एक ओपनिंग नजर आएगी, इसको हम इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन का नाम देते हैं। उसके बाद आगे की तरफ हम जाते हैं तो ये जो सरफेस होती है एंटीरियर सरफेस, ये बाउंड होती है एक नोच के जरिए यानी कि एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द नेजल नोच, तो इस नोच को हम क्या कहते हैं, नेजल नोच का नाम देते हैं। जो आगे जाकर यहां पर एक स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है इसको हम एंटीरियर नेजल स्पाइन कहते हैं। जहां से नीचे की तरफ को हम देखेंगे तो यहां पर एक स्विचर हमें नजर आएगा, तो ये अपोजिट साइड की मैक्सिला के साथ यहां पर आर्टिकुलेट होती है जिसको हम इंटर मैक्सिलरी स्विचर का नाम देते हैं। एंटीरियर सरफेस पर यहां पर ये इंसीजर टीथ है, आगे की तरफ इंसीजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, फिर मोलर, तो इनके ऊपर की तरफ फोसा एंड एमिनेंस होते हैं। जो एमिनेंस आपका कैनाइन के ऊपर है तो उसको कैनाइन एमिनेंस कहेंगे, जो इंसीजर टीथ के ऊपर है तो उसे इंसीजर एमिनेंस कहेंगे, और जो फोसा है उसको इंसिसिव फोसा या कैनाइन फोसा का नाम हम देते हैं। ये बॉडी जो है नीचे की तरफ यानी कि एंटीरियर सरफेस पर या पोस्टीरियर सरफेस नीचे की तरफ कंटिन्यूस होती है एक प्रोसेस पर जिसको हम एल्वोलर प्रोसेस कहते हैं, जिसमें आपके ये टीथ जो है आपका फंसे हुए होते हैं, टीथ जो है आपका फास्टनर होता है। पोस्टीरियर सरफेस पर जब हम आते हैं तो ये वाली सरफेस देखिए इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस यानी कि ये यहां पर एक फोसा का फॉर्मेशन कर रही है जिसको हम इंफ्रा टेम्पोरल फोसा कहते हैं। तो इस सरफेस को हम पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। जो नीचे की तरफ आकर ये यहां पर एक ट्यूबरोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम आपका ट्यूबरोसिटी का नाम देते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑर्बिटल सरफेस। ऑर्बिटल सरफेस को देखिए, जब आप देखते हैं ये वाली सरफेस जो है आपका ऑर्बिटल सरफेस होती है, जो सेपरेट होती है बॉर्डर के जरिए एंटीरियर सरफेस से, एंटीरियर सरफेस से अलग होती है, यानी कि इसको हम इंफ्रा ऑर्बिटल बॉर्डर का नाम दे सकते हैं। तो इस बॉर्डर से ऊपर की तरफ ये वाली सरफेस आपका ऑर्बिटल सरफेस या सुपीरियर सरफेस, जो कि आपका फ्लोर ऑफ द आई ऑर्बिट बनाने में मदद करती है। और पीछे की तरफ देखिए, ये मैंने पेंसिल डाली है, आप देख रहे होंगे इसमें पीछे की तरफ एक रास्ता है जिसको हम इंफ्रा ऑर्बिटल फिसर कहते हैं। तो इंफ्रा ऑर्बिटल फिसर से आगे की तरफ यहां पर इसके ऊपर एक ग्रूव रन करती है जिसको हम इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव का नाम देते हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव का नाम देते हैं। तो ये इसकी आपका सुपीरियर ऑर्बिटल सरफेस। जब हम मीडियल सरफेस पर आते हैं तो मीडियल सरफेस पर एक लार्ज एयर स्पेस होता है जिसको हम मैक्सिलरी हिएटस का नाम देते हैं, मैक्सिलरी हिएटस इसको हम कहते हैं। इस मैक्सिलरी हिएटस से आगे की तरफ एक क्रेस्ट निकली हुई होती है जिसको हम
आपका कोंकल क्रेस्ट कहते हैं, जिसके साथ आपका इंफीरियर नेजल कोंका बोन जो है वो आर्टिकुलेट होती है। ये मीडियल सरफेस जो होती है ये आपका नेजल सरफेस बनाने में मदद करती है और ये नीचे की तरफ जाकर कंटिन्यू हो जाती है अपोजिट साइड की मैक्सिला बोन के साथ, जो यहां पर दोनों बोन जुड़ी हुई होती है तो इसको हम इंटरमैक्सिलरी सुचर का नाम देते हैं। यहां पर पीछे की तरफ ये प्रोसेस जो निकला हुआ होता है इसको हम पैलेटाइन प्रोसेस कहते हैं, जो पैलेटाइन बोन के साथ आर्टिकुलेट होती है। और ये हार्ड पैलेट, ये वाला जो पोर्शन होता है, देखिए ये पूरा पोर्शन जो है पैलेट कहलाता है आपका। ये आगे बोनी पैलेट होता है, उसके पीछे की तरफ जो है आपका सॉफ्ट पैलेट होता है। बोनी पैलेट जो फॉर्म हो रहा है ये आपका मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से के मिलने से ये फॉर्म होता है, उसके पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट होता है। उसके बाद आते हैं हम प्रोसेस के ऊपर। इसमें देखिए ये ऊपर की तरफ ये एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस से ऊपर की तरफ ये प्रोजेक्शन ऊपर जा रहा है, तो इस प्रोजेक्शन को हम फ्रंटल प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि ये ऊपर की तरफ फ्रंटल बोन के साथ आर्टिकुलेट होता है इसीलिए इसको फ्रंटल प्रोसेस का नाम दिया जाता है। फ्रंटल प्रोसेस के सामने की तरफ जो एंटीरियर बॉर्डर होता है इसका, ये आपका इस नेजल बोन के साथ, ये नेजल बोन होती है जिसके साथ ये आर्टिकुलेट होता है, ब्रिज ऑफ द नोज बनाने में मदद करता है। इसके पीछे की तरफ यहां पर जब आई ऑर्बिट में जाएंगे तो इस बोन को हम लैक्रिमल बोन कहते हैं, ये पीछे की तरफ इसके साथ आर्टिकुलेट होता है और एक ग्रूव का फॉर्मेशन करता है जिसको हम नेजो लैक्रिमल ग्रूव कहते हैं, जो कि अंदर जाकर आपका नेजल कैविटी में ओपन होती है। इसके इनसाइड जब हम देखेंगे यहां पर ये एक अटैचमेंट, यानी कि यहां पर एक रफ पोर्शन होता है जिसको हम एथमॉइडल क्रेस्ट का नाम देते हैं और ये एथमॉइड बोन जो है इसके साथ यहां पर आर्टिकुलेट होती है। तो ये आपका इंटरनल सरफेस और ये आपका एक्सटर्नल सरफेस, ये इस तरह कह सकते हैं, ये आपका लेटरल एस्पेक्ट और ये मीडियल एस्पेक्ट। देखिए साइड डिटरमाइन करने की जब बात आती है तो इसको साइड डिटरमाइन हम करते हैं, तो किस तरह से, ये मैक्सिला बोन, ये वाली बोन मैक्सिला है, तो ये प्रोसेस जो है इसको आप ऊपर रखेंगे, एल्यूलर प्रोसेस नीचे रखेंगे, ये वाला बॉर्डर यानी कि जो नेजल नोच फॉर्म कर रहा है ये एंटीरियर साइड में रखें। तो जब हम इसको एंटीरियर साइड में रखें तो ये वाला प्रोसेस जहां पर आएगा, इस प्रोसेस को हम जायगोमेटिक प्रोसेस कहते हैं, जो कि आपका जायगोमेटिक बोन के साथ आर्टिकुलेट हो रहा है जायगोमेटिको मैक्सिलरी सुचर के जरिए। तो जिस साइड में आपका ये प्रोसेस आएगा उसी साइड की ये बोन मानी जाएगी। तो ये इस तरह से, ये इस तरफ राइट साइड और ये इस तरफ लेफ्ट साइड, ये बोन जो है आपका एक सेंटर से, एक मेन सेंटर से ऑसिफाई होती है, जो कि इसके एंटीरियर पोर्शन पर अपीयर होता है और ये सिक्स वीक ऑफ फीटल लाइफ में यहां पर अपीयर होता है और ये बोन जो है आपका एडल्टहुड में जाके तैयार हो जाती है। तो ये इस तरह से आपका मैक्सिला, अगर इसमें आपको कोई बात समझ में आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।